नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। कोरोना संक्रमण के देश में बढ़ते प्रसार को देखकर अब झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसे लेकर अब झारखंड सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और पाबंदियां भी लगाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही झारखंड में झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई, जिसमें कुछ गाइडलाइंस और पाबंदियां जारी की गई है, जिससे कि कोरोना संक्रमण पर रोकथाम किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल जो बैठक रखी गई थी उसमें जो पाबंदियां और गाइडलाइंस जारी की गई है, इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि शिक्षण संस्थान को 4 जनवरी 2022 से 15 जनवरी तक बंद रखा जाना है। वहीं जितने भी बाकी के संस्थान और जहां पे लोग नौकरी करने जाते हैं, वहां पर 50% क्षमता में लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ रात के 8 बजे तक ही सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। केवल जितने भी दवाई के दुकान है, होटल, रेस्टोरेंट और इसके साथ ही पेट्रोल पंप, बार को रात के 8 बजे तक खोलने की 8 बजे के बाद तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी धार्मिक स्थल है, वहां पर भी कंटेनमेंट जोन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कहां के धार्मिक स्थल को खोलना है और कहां पर लोगों को जाने से पहले पाबंदी लगानी है। साथ ही साथ जितने भी पार्क, जू, स्विमिंग पूल और इत्यादि, जैसे हॉल, सिनेमा हॉल हो गए, इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानों को खोला जाएगा। लेकिन पार्क, जू और स्विमिंग पूल को पूरे तरीके से बंद करने की अनुमति दी गई है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मेला और शादी जैसे जो बड़े समुदाय में लोग इकट्ठा होंगे, उन सभी को अभी बंद किया जाना है और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से लोगों को रोकना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में झारखंड सरकार अलर्ट है और साथ ही साथ यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अभी तक झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति काफी लचर देखने को मिल रही है। इसे लेकर जो पाबंदियां जारी की गई है, इनमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का क्या कहना है, देखिए यह वीडियो। क्योंकि कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, वो हम सबों के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई है आपदा की। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोककर, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरियंट जो है, ये क्या रूप ले लेगा या ये कोविड-19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक के पीता है। तो अभी वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50-50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, वेंकट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं, वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और तीन चीज़ें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा
सरकारी सरकारी और निजी जितने संस्थान हैं ये 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम बंद रहेगा, ठीक है। नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। हार्ड तो देखा आपने, ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्राधिकार के द्वारा बैठक रखी गई थी उनमें किन किन मुद्दों पर पाबंदियां लगाई है और क्या कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त झारखंड के सभी नागरिकों को एकजुट होकर सरकार की मदद करनी होगी और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है इस पे सबको मिलकर रोक लगाना होगा। आगे देखना होगा कि सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इसका लोग किस तरह से पालन करते हैं और कब तक कोरोना संक्रमण पर रोकथाम कर लिया जाता है। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।